पूछेंगे। मैं सवाल पूछूंगा सर। हाँ सर, एक बार नाम अगर आपका। मैं फुरकान तमा, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यूनिफेस्ट की तरफ से ये बुक लॉन्च की जा रही है, आज 60 सालों से ये सफ़र जारी है, और जो बुक है अ गोल्डन सारा ऑफ यूथ फेस्टिवल्स, हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की कोशिशों से यूथ को अपने कल्चर को समझने में और हिंदुस्तान की पहचान मुख्तलिफ मुल्कों में, जो बाहर दुनिया के जो देश हैं उनके सामने एक मजबूत तरीके से पेश करने में कितनी मदद मिल सकती है। देखिए, इसकी अहमियत तो हम लोगों ने बहुत पहले समझ ली थी, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ये काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ को मोबिलाइज करता है, और वहाँ पर यूथ से रिलेटेड बहुत सारे काम, कल्चर प्रोग्राम, डिबेट, फेस्टिवल्स, न सिर्फ ये कि जोनल लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर, और अब तो साउथ एशिया के लेवल पर भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे इस संस्था का प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव होने के नाते बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले इतने सालों से जो ठुक ठुक कर रहे थे, तो उससे ऐसे हीरे यहाँ से निकले। देखिए, कल्चर जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लोगों को एक दूसरे से करीब लाते हैं, लोगों को एक दूसरे को समझने में बहुत मदद मिलती है। और अगर यूथ के लेवल पर इस तरह की हम आहंगी आ जाए, तो वो सिर्फ उसी ज़माने में स्टूडेंट लाइफ में ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो लाइफ लॉन्ग बना रहता है। बल्कि आज का जो फेस्टिवल है वो इसका सबूत है कि जो लोग कभी एज ए स्टूडेंट इसके साथ जुड़े थे, आज वो सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में मास्टर्स हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ही अलाइन महसूस करते हैं। तो मुझे बेइंतहा खुशी है, और बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है, और इतने सालों से चल रहे हैं, आगे भी चलता रहेगा, और इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो यूथ है उनसे आपका जुड़ाव रहा है, और आपने कई दौर देखे हैं यूथ के, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए क्या चेंजेस आए हैं, खासतौर से अगर कल्चर के नज़रिए से, संस्कृति को समझने के नज़रिए से देखें, तो यूथ के जो यूथ की जो मानसिकता है उसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं। अभी मुझे तो लग रहा है कि लगाव बढ़ा है, तो लोग कहते थे कि लोग अपनी एजुकेशन में और नॉलेज में इतने बिजी हो जाएंगे कि शायद इस तरह की चीज़ों को, जिसको कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर कहते थे, उसके लिए वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चे हम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो लगाव बढ़ रहे हैं, साथ में सुविधाएं बढ़ गई हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो शायद सुविधाएं बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आजकल बहुत है कि आजकल के बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस के बाद वो यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, तो उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये कि प्रोग्रेस हो रही है, और वो चेंज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। थैंक यू सर। थैंक यू।